नीति वचन 10:22 में लिखा हुआ है, यहोवा की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या है यहोवा का? सब लोग बोलिए मेरे पीछे, यहोवा। यहोवा अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर की आशीष ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। चाय में क्या चीनी मिलाता है ना, उसी तरह यहोवा का आशीष से धन मिलता है। यहोवा का अर्थात परमेश्वर का आशीष से जो धन मिलता है उस धन के साथ दुख नहीं मिला रहता है। आज संसार में धनवान बहुत है परंतु किसी का किडनी नहीं है, किसी का रेडी क्या चल रहा है, हाँ रेडिएशन चल रहा है, किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, किसी का अंग निकाल के दूसरा लगा रहा है, किसी के पास नहीं है, बेटा खुदकुशी कर दिया, बेटी भाग गया और गाड़ी टकरा दिया है, और इस तरह का दुनिया भर का मुसीबत में वो रहता है। पैसा है, पैसा से ही वो उसका समाधान को देख रहा है, कर रहा है, लेकिन दुनिया भर का मुसीबत में जितना पैसा है उससे ज्यादा उनके पास मुसीबत भी है। लेकिन ऐसा धन तो उसका अर्थ क्या होता है, परमेश्वर से आया है क्या? नहीं, वो धन परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। यदि परमेश्वर ही किसी को आशीष दिया है तो आंसू उसके साथ में क्यों देंगे? प्रभु का वचन बोलता नहीं, वो आंसू पोंछ करके धनवान बनाता है। वो आपको रोने के लिए थोड़ी वो पैसा दिया, पैसा ले लो यार, लेकिन रोते रहो, रोना रोज, पत्नी रो, बच्चे रो, अरे बाप रे बच्चा गाड़ी के नीचे चला गया, एगो पैर टूट गया। विश्वासी का साथ, जो सच्चा विश्वासी है उसका साथ नहीं हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विश्वासी का साथ हो सकता है परंतु जो सच्चा विश्वासी है उसका साथ नहीं हो सकता है। विश्वासी दो किस्म का होता है, एक विश्वासी मतलब अपने काम के लिए विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी मीन्स मतलब प्रभु को सचमुच प्यार करता है और उसका दिल में और कुछ नहीं होता है कि प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, मुझे और प्रभु के बारे में जानना है, मुझे और प्रभु के बारे में सीखना है, मुझे और प्रभु के लिए अपने ज़िंदगी को देना है। वो केवल इतना ही समझ रहा है, मेरे जीवन को प्रभु का पवित्रता से भरना है, मुझे शुद्ध होना है, मेरा जीवन परमेश्वर के उद्देश्यानुसार चलना है। ये जो चलेगा परमेश्वर उसको धन देगा, दुख और आंसू उसके साथ में नहीं रहेगा। यदि आपके पास दुख और आंसू है तो उसमें उसके अंदर में ट्रबल है। हालेलुया। अभी ऐसे कभी भी नहीं हो सकता है। प्रभु का वचन यही बोलता है। फिर से एक बार हम हाथ उठा करके बोले, यहोवा की ओर, यहोवा ही से धन मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आपको क्या चाहिए? संसार जो धन देता है, यहोवा ही से धन आता है। मीन्स ये नहीं समझना कि जो भी संसार में धन किसी के पास में भी हो, किसी के पास में भी धन होता है तो वो सारा धन परमेश्वर से नहीं आता है। कोई झूठ बोल करके कमा रहा है, कोई असत्य से कमा रहा है, अधार्मिकता से कमा रहा है, जाली काम करके कमा रहा है, कोई दो नंबर का काम करके कमा रहा है, कोई चोरी कर रहा है, उसके पास भी पैसा आ जा रहा है, वो धन परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से है। वो धन परमेश्वर से नहीं है। मनुष्य के पास जो भी धन है परमेश्वर का नहीं होता है। हाँ सारा धन उसी को बनाया है, परंतु जो असत्य में खड़े होकर के धन को कमा रहा है, अधार्मिकता में झूठ में धन को कमा रहा है, वो नहीं दावा कर सकता है प्रभु ने मुझे दिया है। कौन प्रभु ने? तुम्हारा प्रभु तो शैतान है, झूठ बोलने वाले। तो झूठ बोल करके कमाई किया है तो तुम्हारा धन परमेश्वर से नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है।
परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, ना ना सिखाता। परमेश्वर जो सत्य बोलता है वही परमेश्वर से है। सत्य बोलने के बाद आपको एक ही रुपया मिलेगा, वो आपको आशीष देगा, आंसू नहीं रहेगा उसमें। लेकिन झूठ बोलने के बावजूद किसी के पास 10 रुपया भी मिले, लेकिन उसके साथ में आंसू मिला हुआ है और दुख और दर्द और अंधकार मिला हुआ है, उसके जीवन में चैन नहीं मिलेगा। क्या चाहिए आपको? हालेलुया। आप डिसाइड कीजिएगा। यह संसार का सबसे बड़ा श्राप है धन। धन का जरूरत है हमें जीने के लिए, परंतु हम धन के पीछे कभी भागना नहीं, धन हमारे पीछे भागेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो धन आपके पीछे भागेगा, यदि आप धन के पीछे भागेंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ के चले जाएगा। दो मालिक का सेवा हम नहीं कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा तो दो मालिक का सेवा, दो मालिक का सेवा हम एक साथ नहीं कर सकता है। कहां पर लिखा हुआ है? मत्ती 6:24। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। फिर देखिएगा, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अंडरलाइन कर करके जीवन का सबसे बड़ा वचन इसको बनाइएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट वचन है, इधर ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में मतलब अधिकतर परसेंटेज लोग किसी न किसी मालिक के नीचे काम करता है ना, उसका कोई बॉस होता है। ऑफिशियल वर्क हो, गवर्नमेंट का काम हो, नॉन गवर्नमेंट का काम क्यों ना हो, उसका एक मालिक जरूर होता है या फिर उसका एक बॉस जरूर होता है। तो हम प्रभु का वचन कहता है, हम आप किसी का भी नीचे काम करें, आपका मालिक होना अनिवार्य है। उस मालिक के साथ विश्वस्तता के साथ तो आपको काम करना है। जो मालिक आपको ड्यूटी देता है वो ड्यूटी आपको पक्का करके उसके सामने देना है। कभी भी मालिक को धोखा नहीं देना है। विश्वस्त योग्यता आप अपने मालिक के साथ में करें और उसको आदर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है तू उतना ही दे जितना उसको देना चाहिए। कई लोग, कई जगह हमने देखने के लिए अवसर मिला है कि लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी मालिक को मिल गया तो वो मालिक को फोकस करके, उस पर ध्यान केंद्रित करके वो सोचने लगता है, हाँ ये मालिक का नीचे रहेगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, और वो मालिक पर भरोसा रखना शुरू करता है। ये परमेश्वर के लिए मुश्किल बना देगा। आपका जीवन से परमेश्वर अलग हो जाएगा। आप मालिक को आदर देना परमेश्वर का उद्देश्य है। विश्वस्त योग्यता के साथ मालिक के साथ काम करना परमेश्वर का उद्देश्य है, परंतु मालिक को परमेश्वर का जगह देना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यदि आप ये समझे कि मालिक कोई भी आए परंतु मुझे विश्वस्त योग्यता के साथ काम करना है, आज ये मालिक है तो कल दूसरा मालिक भी हो सकता है, ये पहले से सोच समझ कर रखना है। आज ये मालिक, कल हो सकता दूसरा मालिक होगा, परसों हो सकता तीसरा मालिक होगा, परंतु ये सब मालिक मेरे स्वर्गीय मालिक से बड़ा नहीं है, क्योंकि उसी ने इन सबों को मुझे दिया है, उसी ने ये मालिक के पास मुझे ले गया है। ये कभी नहीं सोचना अब तो मालिक मिल गया, इसी पर आसर रह करके, इसी को चापलूसी करके, उसी को तेल मालिश करके हम जिएंगे क्योंकि मुझे अच्छा मालिक मिल गया। वो व्यक्ति बाद में धोखा में पड़ेगा। आप जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू देगा, वो ही चीज या व्यक्ति, वो वस्तुदा आपके लिए बाद में सिरदर्द बनेगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा बच्चों को प्यार करेंगे तो बच्चे बाद में आपको लिए मुश्किल बन जाएगा।
यदि आप परमेश्वर को ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा पत्नी को प्यार करें तो पत्नी आपके लिए मुसीबत बनेगी। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा पति को प्यार करें तो पति भी आपके लिए मुसीबत रहेगी। और यदि परमेश्वर से ज्यादा आपका दोस्त को प्यार करे, परमेश्वर से ज्यादा आपका नौकरी को प्यार करे, परमेश्वर को ज्यादा आपका पढ़ाई में ध्यान दे, परमेश्वर से ज्यादा आपका बंधुओं के लिए, दोस्तों के लिए, किसी अन्य वस्तु के लिए आप ध्यान दे, तो वो चीज आपके लिए सरदर्द बाद में बनेगा। एक्जैक्टली जिसके पीछे आप गया है वो आपके लिए बाधा बन जाएगा। इसलिए हम आपसे कहने के लिए परमेश्वर का वचन ये करता है, हमको दो मालिक नहीं हो सकता है, एक ही मालिक हो सकता है। हम दो मालिक के पीछे सेवा उसके पीछे नहीं चल सकता है, एक ही मालिक के पीछे हम चल सकता है, क्योंकि दो मालिक को सेवा एक समय करना मुश्किल है। हमको चूज करना है, हमको चुनना है, मुझे परमेश्वर का सेवा करना है या फिर धन का सेवा करना है। चूज कीजिए, परमेश्वर को सेवा करना है तो आप काम करने नहीं करने से भी वो आपको खिलाएगा। आपको खाना ना चाहिए। सबसे बड़ा दुनिया का धनवान बड़े बड़े दुनिया में होता है, करोड़ 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 करोड़पतियां। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप एक टाइम का खाना पांच रोटी खाए तो क्या वो 20 रोटी एक साथ में खाएंगे क्या? पांच रोटी ना खाएगा। आपने रोटी और क्या बोलता है आलू भुजिया खाया तो शायद हो सकता है कि वो कुछ कॉस्टली चीज खाया होगा, लेकिन पेट तो एक ही तरह है, जितना बढ़ा सकता उतना ही बढ़ सकता है। आखिरी मनुष्य या फिर मनुष्य का सबसे बड़ा आवश्यकता भोजन होता है, बिना भोजन से हम जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए आप इस बात को समझे, परमेश्वर आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, परंतु हम मनुष्य के पीछे ना चले, किसी मालिक के पीछे ना चले, किसी व्यक्ति के पीछे ना चले, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता 118:8 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखना धोखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ मनुष्य पर भरोसा रखता है तो मनुष्य उतना ही है, एक श्वास का तरह है, वो बाप के तरह है, मतलब वो बाप, समझ रहे ना, पानी से जो निकलता है गर्म करने से, हाँ उसी का तरह है, वो एक छाया है। मनुष्य कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा, उसका नाक में थोड़ा से श्वास है, वो भी परमेश्वर ने दिया है। ऐसे आपके जैसे जिसके पास कोई अस्तित्व नहीं है, आपके बराबर का व्यक्ति है, उस पर आश्रय आप ना रखें, परंतु उसको और आपको बनाने वाला परमेश्वर पर आशा रखें। इसलिए प्रभु ने यह कहा था, यहोवा की शरण लेना, बोले यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर, प्रधानी, प्रधानों पर, कई लोग बोलता है हमारा फलाना आदमी वहां पर है तो मेरा काम निकल जाता है। अरे मेरा वो है एमपी साहब मेरा अपना है, एमएलए मेरा अपना है, मंत्री जी से हमारा अच्छा ये है, वहां का डीएम मेरा वो है ये है, बहुत लोग बहुत कुछ बोल लेता है। ऐसे बोलने के समय बोलता कि मेरा अपना आदमी है तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, तो यहां बोलता तुम्हारा कोई भी रहे, परमेश्वर से भरोसा रखना मनुष्य से भरोसा रखने से उत्तम होता है। प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखना। कई लोग फंस गए इसी में, किसी मालिक मिल गया तो वो मालिक उसको सचमुच मालिक बन गया जिंदगी का, जिंदगी का मालिक परमेश्वर होता है। कौन जानता है कौन मालिक कब तक आपके साथ देगा, इसलिए धोखा में पड़ने का संभावना है। यदि परमेश्वर का मालिक मालिकतापन का नीचे है, आपका अल्टीमेट मालिक परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसी पर आपका आश्रय है,
तो मालिक आते जाते रहेगा, परंतु जो स्वर्गीय मालिक है वो आपको खिलाते रहेगा। इसलिए कभी भी किसी मालिक पर अटकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका मालिक है, क्योंकि परमेश्वर आपको मालिक है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आपका अभी जो मालिक आपको मिल गया है वो मालिक को इज्जत नहीं दे, उस मालिक को आदर ना दे, उस मालिक को सामने विश्वस्त योग्यता के साथ में नहीं काम करे। नहीं, ऐसे करेगा तब भी परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आप अपने मालिक को सामने विश्वस्त योग्यता के साथ में नहीं काम करेंगे, मालिक को सचमुच आदर नहीं देंगे। सचमुच मैं बोल रहा हूं, आदर तो सब लोग देता है, लेकिन दिल से आदर देना है। दिल से देने का मतलब क्या है? यही हमको खिला रहा है, आप ही तो मेरा सब कुछ है। मैं सुना है, सुनते रहा है, आप ही के आशीर्वाद से। ये सबसे बड़ा गलत शब्द है। किसी इंसान के आशीर्वाद से आप जीवित नहीं है, जीवित परमेश्वर का आशीर्वाद से आप जीवित हैं। आप ही के आशीर्वाद से, अच्छा तुम्हारा आशीर्वाद से हम जिंदा है, तो तुम किसके आशीर्वाद से जिंदा हो? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जिसको इज्जत देना है उसको इज्जत दो, जिसको आदर देना है उसको आदर दो, परंतु परमेश्वर का जगह मनुष्य को नहीं देना। परमेश्वर परमेश्वर है, और महिमा और साध आदर धन्यवाद स्तुति ज्ञान शक्ति उसी का है। आपके पास जो शक्ति है आप खाने खाने से नहीं, उसका है। आप खाने से शक्ति नहीं मिला, शक्ति उसी का है। आपके पास ज्ञान है तो आप पढ़ने से ज्ञान नहीं मिला है, ज्ञान उसका है। तो बोल क्या रहा है? धन्यवाद उसको, ज्ञान उसको, महिमा उसको, स्तुति उसको, आदर उसको। आदर महिमा धन्यवाद स्तुति ज्ञान सामर्थ परमेश्वर के लिए है। अब दुनिया में बहुत कुछ करेंगे, धनवान हो गरीब हो, परमेश्वर के सामने बराबर है। हालेलुया। धनवान होकर के मरा परंतु जीवन में कभी भी सही मार्ग में नहीं चला, तो उसका उससे बढ़कर होता है गरीब का जिंदगी जिसने परमेश्वर के सामने जीवन चलाया है। हालेलुया। वो धनवान होकर मरेंगे। धनवान उसी से होता है जिसका अंदर प्रभु रहता है, वो धनवान है। जिसका अंदर प्रभु नहीं है, दुनिया है, वो कंगाल है। क्योंकि दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, परमेश्वर को छोड़ कैसे देगा? परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। ये सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, तो सारा दुनिया आपका है कि नहीं? सारे मालिक आपका है कि नहीं? सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं सोचना कि कल हमको बना दो करोड़पति, ना। सबका अपना अपना लिविंग स्टाइल होता है ना। अपर क्लास, अपर क्लास मीन्स मैं जाति के विषय में नहीं बोल रहा हूं, धन और मान ज्ञान बुद्धि इस विषय में मैं बोल रहा हूं। धनवान इस तरह के बड़े लोग होता है, हायर पोजीशन में रहता है, ये सच है। हायर पोजीशन में रहने वाला है, लेकिन मिडिल क्लास लोग भी है, मतलब मिडिल क्लास है, ना गरीब है ना धनवान है, तो मिडिल क्लास है। कुछ ऐसा है सचमुच गरीब है, हर जात और हर धर्म का लोग उसमें पाया जाता है, सचमुच गरीब है। हालेलुया। ये तीनों कैटेगरी का लोग दुनिया में होता है, परंतु परमेश्वर जिसके दिल में आता है उसके ज्ञान के अनुसार, उसके जीवन का परिस्थितियों के अनुसार उसका जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब उसमें हम संतुष्ट रहना है। प्रभु जो देता है, प्रभु जो देता है उसमें सबसे बड़ा धन्यवाद का विषय यह है कि हम संतुष्ट रहे। कई लोग असंतुष्ट रहता है,
परमेश्वर से पाता तो उसको सोच, वो सोच रहे कि हमको और मिलना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं सोचिए, जितना चाहिए था वो प्रभु आपको दे रहा है, और चाहिए प्रभु आपको देगा समय पर। रास्ता खुला हुआ है, यीशु आपका जीवन में आया है तो रास्ता खुल गया, अब अंध नहीं हो सकता है, नहीं अंध होगा। कभी ऐसा शक करने का वाला बात तो नहीं है कि हमको यीशु ने आशीष किया आज कल नहीं देगा, ना, यीशु का आशीष हमेशा के लिए होता है, एक दिन के लिए नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य पर आशा ना लगाए, प्रभु पर पहले स्थान देना है। ये मन में बोल कर रखना है, आज ये मालिक है तो कल दूसरा मालिक भी हो सकता है, परसों तीसरा मालिक भी हो सकता है, लेकिन प्रभु हमको खिलाएगा और पिलाएगा।